मैं हूँ काली एंड आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, बिकॉज आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, अगर मैं अलग दिखती भी हूँ तो वो मेरे रंग की वजह से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कलर. मैं मंदिर में ये भी पहन के नहीं जाऊँगी. मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं प्रॉपरली इधर से लेके इधर तक मैं ढक के जाती हूँ. मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ना ऐसे होता ना टूटने वाला जो एक फीलिंग होता है वो लगता है आपको. ब्रेकअप को हुए टाइम हो गया है जी, बट कहीं ना कहीं आप जब किसी से बहुत प्यार करते हो ना, ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के ही आपका प्यार खत्म हो जाता है. उसने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज बॉन्डिंग. हाय गाइस, दिस इज पर्लमी एंड यू आर वाचिंग IWM बस. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Paulumi Das with us. So firstly, Paulumi, shocking है हमारे लिए because जिस तरह से हमारी बात हुई थी जब आप घर पे जा रही थी, you are very strong कि आप आगे तक जाओगे, फिनाले तक पहुँचोगी, लेकिन क्या ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से आप आउट हो गए? I think वजह even you know, the बाहर वाला, उसने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज बॉन्डिंग अदर कंटेस्टेंट के साथ. तो आई थिंक उसके वजह से मैं बाहर हुई, तो सो यू नेवर नो, आई जस्ट कैन लाइक, हो सकता है मैं अंदर जाऊँ, यू नेवर नो. फॉलो मी, जब से आप घर पे गए थे आप काफ़ी स्ट्रांगली खेल रही थी, व्हाट वाज दैट लोवेस्ट पॉइंट जहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल भी होती हुई आई नजर? आप अकेले बैठ के रो रही थी स्टार्टिंग के दो दिन, दो सेकंड डे में मॉर्निंग में उठकर सुबह सुबह? नहीं 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 नहीं, सेकंड डे पे रात को. हाँ, और तब से आप वो नेक्स्ट डे तक रो ही रहते हैं, वो क्या एक रीजन था, व्हाट मेक यू क्राई? यू नो इट, यू हैव इंटरव्यू मी सो मेनी टाइम्स अबाउट इट, बट योर फेवरेट टॉपिक. नॉट माय फेवरेट, बट या आई वाज, आई समहाउ लाइक, एक होता ना कि ब्रेकअप को हुए टाइम हो गया है जी, बट कहीं ना कहीं आप जब किसी से बहुत प्यार करते हो ना, ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के ही आपका प्यार खत्म हो जाता है. I don't love him anymore, but attachment कभी अभी भी होगा यार, इतने साल से वो और मेरे लिए सब कुछ था जी, सब कुछ था. एंड यू नो इट, लाइक हाउ यू used to go for trips, फोटोज लगाते थे, चीजी कमेंट्स मारते थे एक दूसरे के पिक्चर्स पे, और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इवन ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व मेरे फैमिली के साथ, वो बहुत इन्वॉल्व था. मेरे पेरेंट्स एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा, मतलब होता ना उनके लिए वो उनका बेटा ही था जी. मम्मी मतलब मम्मी ने लिटरली उसके हाथ पे कुछ कट आ गया था तो, और हमारे खाना, हमारा खाना स्पाइसी होता है और चम्मच चुम्मच से भी अब खाते हो ना तो कुछ खाना अब नहीं खा सकते चम्मच से, तो मम्मी ने लिटरली उसको बाकायदा जैसे मुझे माँ खिलाती है ना, उसको भी उसने खिलाया है जी. तो मेरे फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा एक सदमा था, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल थी उस चीज़ के लिए कि मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही है मेरे डिसीजन की वजह से. तो इट्स वॉज लाइक अ, कभी कभार मुझे ये होता है अभी भी कि लाइक आई फील वेरी लो एंड वेरी, जब सोचते हो ना उस चीज़ के बारे में कि लाइक समहाउ आई एम अलोन नाउ, आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव. सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई है कॉल में विद द फुल डैकअप, बट एक कोने पे जाके सिर्फ रो रही थी वो, नो मोर देन 2 आवर्स यू वर क्राइंग ओनली. पूरे लाइफ में मैंने देखा, यू सेड ऑल्सो वंस कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मैं किधर हूँ, वॉज दैट फॉर द सेम पर्सन? या And you think you have done that very perfectly? मुझे लगता है मुझे और भी करना चाहिए था. मैं सिर्फ मतलब सेकेंड वीक में नॉमिनेट होने वाली लड़की नहीं. True. मैं आगे, मुझे पता है कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ. मैं सेकेंड वीक में नॉमिनेट होने वाली लड़की नहीं. But you should be proud that you have done very good. Yes, I have got. Yeah, yeah, absolutely. I've got like so much love from people, like so much. Yeah. And पर हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि like I could have gone like मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ उस शो में. दो चीज काफी ही चर्चा में थी, एक तो शिवानी ने जिस तरह से आपको धक्का मारा, फिर उसके बाद जिस तरह से आपने शिवानी को बोला गुस्से में जब आप पेन में थी. मैंने गालियां दिया है बकायदा, आपने एक जंगली वर्ड यूज किया. हाँ. उससे ऑडियंस थोड़ी खफा हुई कि ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. तो भाई उसने मेरे लिए कितने सारे वर्ड्स यूज किए हैं जी, यू आप उसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लो. मैं उसको जंगली इसलिए, और बाय द वे अगर आपको पता होगा कि ग्लूट पे लगना कितना ज्यादा पेनफुल होता है, तब आप समझोगे कि मेरे मुंह से वो गालियाँ क्यों निकली है. वरना उसकी हरकतें ऐसी थी ना, सो शायद गालियाँ बहुत पहले निकल जाती. पर आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ. इतने मुझे तो पता भी नहीं था, अरमान ने पहली बार मुझे उठाया था. मुझे लगा साई ने उठाया था. अरमान ने बोला नहीं मैं था. मैंने बोले सॉरी, मैंने सच्ची नहीं देखा. मतलब होता ना कि आपको समझ में भी नहीं आता कि आप, मैंने एक तो मैंने इतने छोटे 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 मैंने शॉर्ट्स पहने थे, तो मेरे पैर भी इधर उधर जा रहे थे. उन्होंने किसी का आई थिंक स्कार्फ ला के वो उसको रैप अराउंड किया था उन्होंने. तो इट वॉज एक
आई वॉज इन एक्सट्रीमली पेन. लाइक मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ना ऐसे होता ना टूटने वाला जो एक फीलिंग होता है वो लगता है आपको. तो हाँ, मेरे मुंह से उस टाइम पे गाली निकली बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल माई टंग. अगर मैं नॉर्मल सेंस में होती तो मैं शायद अपना इसको मैं कंट्रोल कर लेती, पर उस टाइम पे नहीं. शिवानी ने भी आपको कर्टेसी के नाम पे बहुत बहुत ज्यादा चीजें बोली, बोली भी है और वो आई भी नहीं थी तुरंत. वो एक तो पहली बात ऐसे ऐसे लंगड़ा के फिर अंदर नॉर्मल गई, वो तो मैंने बाद में क्लिप में देखा है. उसके बाद बाहर आई लंगड़ाते लंगड़ाते, फिर जब कोई पे नहीं था नॉर्मल चल के अंदर गई, फिर बाद में. सो या आपको क्या लगता है वो सब ड्रामा था? ऑफ कोर्स इट्स लाइक इट्स नॉट इवन अ रॉकेट साइंस. या आप भी बोल सकते हो वो ड्रामा था. या वी सॉ दैट. ये कोई भी बोल सकता है. विशाल और कटारिया उसके पास आए, वो जब उन्होंने बोला कि तुम्हें थोड़ा कर्टेसी दिखाना था, तब उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था और बोला कि मुझे भी पेन हो रहा है, मुझे भी लग. हां तो भी उसको 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 ना वहां पे आके कर्टेसी दिखानी थी ना उसको सॉरी बोलना था. स्टार्टिंग से वो आपको टारगेट कर रही थी ऐसा आपको लगा? भाई उसने क्या-क्या नहीं बोला है मुझे. फर्स्ट विद योर बिकिनी कमेंट्स, एक पहले बिकिनी को लेके बोला है. एंड आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल वेयर इट. मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन से जगह पे क्या कपड़ा पहनना होता है. मैं मंदिर में कोई भी, मैं मंदिर में ये भी पहन के नहीं जाऊंगी. मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं प्रॉपरली इधर से लेके इधर तक मैं ढक के जाती हूँ. जैसा देश वैसा भेष करके मैं चलती हूँ. तो आई विल वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड पीपल. सो यू इफ यू से दैट तुम्हें ऐसा लगता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. दैट्स नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकीज. एंड दूसरी बात, उसने मेरे कलर पे बोला है जी, ठीक है, मेरे कैरेक्टर पे बोला है, मुझे नागिन बोला है. हूँ मैं नागिन? वहाँ पे आप रॉन्ग भी नहीं हो. मेरे भाई के अकॉर्डिंग तो मैं बचपन से थी, लोगों को आज पता चला है, बट दैट्स ऑल राइट, आई एम अ नागिन. और मैं हूँ काली एंड आई डोंट केयर व्हाट डू थिंक अबाउट मी, बिकॉज आज मैं जहाँ पे भी हूँ जो भी कर रही हूँ, अगर मैं अलग दिखती भी हूँ तो वो मेरे रंग के वजह से. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कलर. और इस कलर के वजह से आप किसी भी DOP कैमरामैन से पूछ रहे ना, मैं अलग लगती हूँ स्क्रीन पे. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माई कलर. सो अगर आपको लगता है कि ये गलत है, वो आपका माइंडसेट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. थ्रू और आपने स्ट्रॉन्गली ये भी बोला था कि आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले जस्ट बिकॉज ऑफ योर कलर आल्सो, और उसमें साना ने भी काफी सपोर्ट किया था. हाँ, मुझे अभी भी नहीं मिलता है. अभी भी वो लोग बोलते हैं कि दे वांट समवन हु लुक्स नॉर्थ इंडियन. आई सेड फाइंड इट, आई डोंट केयर. ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट बन रहा है कि दो प्रोजेक्ट बना दे. प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव डन, थैंकफुली आई हैव डन टचवुड रियली गुड प्रोजेक्ट्स इन माय लाइफ. एंड मुझे लोग उसके चीज के लिए पसंद भी करते हैं. So if you don't want to take him, that's all right. Weekend के बार में आपने expect किया था कि अनिल कपूर जी कुछ शिवानी को बोलते हैं, पर वो opposite हो गया. हाँ, मुझे वो कहीं ना बुरा लगा थोड़ा. थोड़ा नहीं, बहुत ही बुरा लगा कि आपने वो उस बात को गौर नहीं दिया. मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि वहाँ पे शायद बहुत लोगों ने बोला कि मैं हील की वजह से गिरी हूँ. भाई मैंने ब्लॉक हील पहना है, तुम लड़की हो, ब्लॉक हील में होता है. और एविडेंटली वीडियो है, बाकायदा बाहर इंटरनेट पे वीडियो है जहाँ पे लिटरली आप देख सकते हो. ऐसे करके वो उसने मुझे धक्का दिया और तब मैं जाके गिरी हूँ. मैं हील आज से नहीं पहन रही हूँ. आई यूज्ड टू बी अ मॉडल और मैंने हील इतना वाला पहना था. मैं इतने इतने लंबे हील्स पहन सकती हूँ और उसमें मैं, आप मुझे एकदम गंदा वाला स्लोपी जगह दो, सीढ़ियाँ दो, मैं मस्त चल दूँगी क्योंकि वो मेरा काम है. मैं हील के वजह से नहीं गिरी हूँ. बाकायदा आप देख सकते हो कि वो धक्का लगा है जी. और कहीं ना कहीं वो एक वायलेंस था. बट शिवानी को ऐसा नहीं लग रहा कि घर वाले ज्यादा सपोर्ट बने? सना टर्न आउट टू बी अ लॉयर, विशाल आल्सो भी. हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली सिंस आई थिंक सना मकबूल ओनली इज फ्रेंड्स विद दोस पीपल, उनके साथ ही उनकी दोस्ती है जिनसे उनको फायदा है. अदरवाइज देयर आई हैव नेवर सेड एनी इल थिंग अबाउट सना मकबूल. यहाँ पे वापस बाहर आने के बाद मैं बोल रही हूँ, मैंने कभी उसको कुछ गलत नहीं बोला है. कभी भी उसको ज़रूरत हुआ, मैं उसके, लोग जब कोई रोता है ना आप तभी जाके आप कंसोल नहीं करने होगा, ऐसे मत कर, ऐसे कर, ये कर, नहीं करते हो. जब रो रही थी मैं सांस में बैठी हुई थी. द मोमेंट आई थॉट दैट वो थोड़ी सी अभी हो गई है, मैं फिर जाके उसको समझाई. कभी वो झगड़ा करती है मैं जाके उसमें आग नहीं लगाऊंगी किसी के लिए भी. तो आई नेवर डन एनी रॉन्ग, लाइक मैंने उसको कभी उसको उसके लिए कुछ गलत नहीं किया है. पर फिर भी शी, मतलब बिहाइंड द बैक शी इज पोकिंग मी. I'm sorry because उसको लगता है कि उससे मुझसे उसको कोई फायदा नहीं है.
तो आई थिंक वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाती है जिनके पास उसको फायदा दिखता है। लास्टली पॉलिमी में दो चीज जानना चाहूंगी आपसे, कौन ऐसा घर का कंटेस्टेंट है जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, और सेकेंडली कौन है जो स्ट्रॉन्गली खेल रहा है लेकिन अब तक निखर कर आया नहीं है घर में? I really truly admire Ranveer. Yeah. And also Sai. Do you feel bad ki Katara ne aapko choose kiya? I think he chose between bond. Uske saath Manisha ka bahut acha bond hota hai. To I think isliye usne Manisha ko choose kiya. So that's why I don't have anything against my audience. You have word you lastly aap jab apni kahi to aapko laga ki biased hai aapka eviction and all, to aapne Anil Kapoor ji ko hi bola ki wo biased ho gaye the show ke dauran jab weekend ka war hai, to maine biased nahi bola hai, maine bola unhone god nahi diya, maine I never said that word biased, maine unko bola ki yaar jab mere sath aap bahar ki cheeze bol rahe ho, jab big boss mein kaha jata, big boss khud kehte hai ki bahar kya hua hai usse unko farak nahi padta, ghar ke andar jo ho raha hai that is the most important thing, to maine bola ki main bahar jo bol ke aayi hu aap उस पर बात कर रहे हो, लेकिन घर के अंदर जब लोग मुझे ऐसे करके इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं उसके बारे में, तो आई फेल्ट बैड, आई डिडंट फील बायस्ड बट आई फेल्ट बैड। चंद्रिका के साथ कैसा भी बॉन्ड रहेगा पोस्ट शो? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर कि तू दिल्ली जा, मैं तेरे को सरप्राइज देने के लिए आऊंगी, बिकॉज आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर सम वर्क, तो मैं उसका जहाँ प्रीतमपुरा में है, तो आई विल गो देयर टू सरप्राइज हर। ढंग से वड़ा पाव बनाना, मैं बॉम्बे वाली हूँ। सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, जिन्होंने इतना प्यार दिया। आप हमेशा मुझे प्यार करते थे, हमेशा करते हो, एंड आई एम श्योर करते रहोगे, मैं आपकी वजह से आज बाहर नहीं आई हूँ, तो आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स फॉर इट। आप और बाहर आके मैंने बहुत सारा सपोर्ट देखा है, मैंने देखा है आप कितने दफ़ा मेरे साथ खड़े रहे, सारे क्लिप्स बनाए, वीडियोज़ बनाए, उसको वायरल किया, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट। सो आगे भी सपोर्ट करते रहना, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर मी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा।